उल्लासनगर महानगर पालिका ने विभिन्न स्थानों पर गणपति विसर्जन घाट बना रखे हैं। ऐसा ही एक घाट हीराघाट बोट क्लब पर भी बना हुआ है। शनिवार की रात इसमें एक 5 साल का बच्चा डूबकर मर गया। आरोप यह है कि यहां नगर पालिका द्वारा कोई भी सुरक्षा रक्षक तैनात नहीं किया है। आज उल्लासनगर में बहुत ही दर्दनाक और दुखदायक घटना घड़ी है। हीराघाट भैया साहब अम्बेडकर सोसाइटी में रहने वाला एक 6 साल का बच्चा राजवीर बेलेकर, जो आज दोपहर 4 बजे से लापता था, तो सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हो रहा था कि ये बच्चा मिसिंग है, अगर किसी की जानकारी मिलती है तो कृपया संपर्क करें। उसके बाद पुलिस स्टेशन में भी इसका मिसिंग कंप्लेंट दिया गया था। घर वाले उसे ढूंढ रहे थे तो पता चला कि हीराघाट में उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा गणेश विसर्जन घाट जो बनाया गया था, वहाँ पर कुछ दोपहर में बच्चे नहाने के लिए गए थे, ऐसी जानकारी मिली। और जब भी पुलिस और घर वाले उनके पड़ोसी जब ढूंढने गए, पानी में जब उतरे तो पानी में वहाँ पर डूबी हुई उस मासूम बच्चे की लाश मिली। घर वालों का और वहाँ के परिसर के नागरिकों का कहना है कि ये पूरी की पूरी उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन की ये लापरवाही है। क्योंकि अगर आपने विसर्जन घाट बनाया है, अगर गणपति के विसर्जन हो गए हैं तो उस पानी को रिलीज करना चाहिए था। अगर पानी को रिलीज नहीं किया है तो वहाँ पर जो बंदोबस्त था, वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी, वहाँ पर कोई तो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी और ना ही वो पानी रिलीज किया गया था। तो ये पूरी तरह से उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन की ये लापरवाही है। और घर वालों का कहना है कि इसमें न्याय होना चाहिए, जो भी इसमें दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई करें, उनके खिलाफ कंप्लेंट करें, क्योंकि इस बच्चे के मृत्यु के लिए वही लोग जिम्मेदार हैं। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती, उनके परिजनों का कहना है कि हम कल बॉडी नहीं लेंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।